नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने प्रतिशोध एकांकी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो नॉन आंसर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम इस एक्सप्लेनेशन को, इस कुछ कुछ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, उनके उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे जो लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, शास्त्रार्थ में पंडितों को हराता देख पिता ने बार भारवी के बारे में क्या सोचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसको कैसे लिखेंगे? श्रीधर के पुत्र भारवी ने शास्त्रों में अनेक पंडितों को हराना शुरू कर दिया था। शास्त्रों में पंडितों को हराता देख पिता ने सोचा ये, और ये देखा भी कि भारवी में अहंकार की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और फिर उन्होंने ये सोचा कि यदि भारवी ऐसे ही अहंकारी बनता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसका सर्वनाश, जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, उसकी तरक्की पूरी तरह से रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि अहंकार उसे पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगी, क्योंकि अहंकार, जिस भी इंसान में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। यही सब सोचते हुए दैट श्रीधर ने भारवी को भरी सभा में पूरे पंडितों के सामने इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझकर के अपमानित कर दिया और उससे ये कहा कि तू महामूर्ख है, तू अज्ञानी है, तू घमंडी है, तुम्हें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। जब पंडितों ने भारवी के बारे में ये सुना उसके पिता के मुंह से ही, तो पंडितों ने भारवी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद भारवी जो है वो बहुत दुखी हो जाता है और वो दुखी आंखों से अपने पिता की ओर देखता है, फिर अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लेता है और वहां से चला जाता है। ठीक है, लेकिन अनुशासन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए श्रीधर ने भारवी को जाने से रोका भी नहीं और उसे वहां से जाने दिया। ठीक है, इस सारे मतलब जो पंडितों के सामने जो श्रीधर ने भारवी को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, उसका मेन कारण ये था कि वो उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे, ताकि उनका बेटा जो है वो दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सके। ओके, अपने घमंड के चलते ऐसा न हो कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि भारवी अपने पिता से बदला क्यों लेना चाहता था, यानी वो उससे रिवेंज क्यों, मतलब भारवी अपने पिता श्रीधर से रिवेंज क्यों लेना चाहता था। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। भारवी जब शास्त्रार्थ में विजय हुआ तो श्रीधर ने उसे पंडितों जब विजय हुआ तो श्रीधर ने उसे सार्वजनिक रूप से लांछित करना शुरू कर दिया। ओके, मतलब कि, और इसलिए ऐसा किया श्रीधर ने क्योंकि भारवी में घमंड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो श्रीधर ने पंडितों के सामने भारवी को अपमानित कर दिया, प्रताड़ित कर दिया। भारवी ने ये सोचा कि उसके पिता ने भरी सभा में पंडितों के सामने उसे बेइज्जत किया है, इसी बात का बदला लेने के लिए, ओके, इस वजह से दैट जो भारवी था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, वो अपनी निंदा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, भारवी ऐसा सोचता है कि उसका जो उसकी सारी इज्जत जो है वो मिट्टी में उसके पिताजी ने मिला दी है। ठीक है, और फिर वो ये भी सोचता है कि जब तक उसके पिता जीवित रहेंगे वो भरी सभा में पंडितों के सामने और लोगों के सामने उसे ऐसे ही लांछित करते रहेंगे। ठीक है,
और फिर वो ये भी सोच रहा है, बहुत सारी गलत फहमियां उसके मन में आ चुकी हैं, वो ये भी सोच रहा है, भारवी ये भी सोच रहा है कि उसकी मतलब वो यदि उन्नति करता है, वो यदि राइज करता है, यदि उसका नाम होता है यानी भारवी का नाम होता है, तो उसके पिताजी यानी श्रीधर को इससे खुशी नहीं होती है, बल्कि वो उससे उससे जलन करते हैं। ओके, इसीलिए इसलिए वो मतलब बहुत सारे वो भारी लग रहा है कि भारवी को ऐसा लग रहा है कि उसके पिताजी में सिर्फ दोष ही दोष है, उसके पिताजी ने उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसे जीने के लायक नहीं छोड़ा, उसे भरी सभा में पंडितों के सामने लांछित कर दिया, प्रताड़ित कर दिया, अपमानित कर दिया, वो अपमान की अग्नि में जल रहा था। यही सब बातें सोच करके वो ये सोचता है कि जिस जुबान से उसके पिताजी ने उसकी बुराई की है, उसे प्रताड़ित किया है, उसके उसे अपमानित किया है, उन सभी चीजों वो उस जबान को ही काट देगा, उस इंसान को ही मार डालेगा जिसने उसे कहीं का उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और जीने लायक नहीं छोड़ा है। ठीक है, यही सब बातें सोचकर भारवी जो है अपने वो अपने पिता श्रीधर से बदला लेना चाहता था। ठीक है, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कि अहंकार उन्नति में बाधक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन कम इन योर एग्जाम। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अहंकार उन्नति में बाधक है, एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि यस, अहंकार यानी घमंड हमारे डेवलपमेंट में बाधक है यानी रेस्ट्रिक्शन पैदा करता है। कैसे? आपको इसे प्रूफ करना है, मतलब कि आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि कैसे अहंकार हमारी उन्नति में बाधक हैं। ठीक है, श्रीधर का पुत्र भारवी महाकवि था, वह शास्त्र में सभी पंडितों को पराजित करता जा रहा था, लेकिन ऐसा करते करते उसमें घमंड आ गया, उसमें अभिमान आ उसमें घमंड आ गया, वो घमंडी बनता चला गया। श्रीधर को यह सब सहन नहीं था कि उसका पुत्र दंभी बन जाए, इसलिए उन्होंने भरी सभा में उसे ताड़ित कर दिया। श्रीधर चाहते थे कि भारवी भी अधिक और अधिक पंडित और महाकवि बने। अब बात यह आती है कि अहंकार कैसे उन्नति में बाधक है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस जिस भी इंसान को अपने पांडित्य का अभिमान यानी अपने अपने वो ये समझने लगता है कि सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ, वो मेहनत करना छोड़ देता है, वो मेहनत से जी चुराने लगता है। और लेकिन सच्चाई की बात तो ये है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान अपने आप में सीमाहीन है। समझ रहे हैं आप लोग बच्चों? ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान जो है वो सीमाहीन है यानी अनलिमिटेड है। यदि हम और आप ये समझेंगे कि हम पूरी तरह से ज्ञानी हो रहे हैं, तो हम अपने जीवन में मेहनत करना छोड़ देंगे। और जिस दिन, मैं ध्यान से बोल रही हूँ बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि जिस दिन कोई इंसान ऐसा समझ लेता है कि उसे सब कुछ आ गया है, उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसी दिन से उसके पतन की कहानी शुरू हो जाती है, उसके विनाश की कहानी शुरू हो जाती है। रीजन ये है, कारण ये है कि उसी दिन से इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। वो बात बात में ये सोचता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, वो लोगों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से समाज में लोग उस व्यक्ति से दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी अपने ज्ञान पर यानी नॉलेज पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सदैव ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अहंकार हमारी उन्नति में बाधक है। ठीक है, सो इस तरह से मैंने, मुझे जो लग रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे 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 नंबर से पास होइए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम चिल्ड्रेन। ठीक है,
दैट मैं जल्द ही मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, दूसरे लेसन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊंगी। बाय बाय।